हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये वीडियो जो है ये मेरे उन भाइयों के लिए है जो YouTube के ऊपर एस्ट्रोलॉजर है, अघोरपंथ से है या तांत्रिक है, ये वीडियो उनके लिए दिया जा रहा है। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरी तरह से आप देखना, अपना सुझाव रखना, ठीक है। अब मैं कुछ दिन से देख रहा हूं, कि काफी लोग हैं अपने आप में उलझे पड़े हैं। कोई बोलता है भाई मैं तो अघोर से हूं, मैं बहुत बड़ा ये हूं, मैं वो हूं। कोई बोलता है मैं पंडित हूं, जो चीज मैं बताता हूं मैं खुलेआम बता देता हूं, ये कर देता हूं। अरे भाई, जो आपके पास ज्ञान है उसे बांटो। ज्ञान बांटने के लिए तो हमें ऊपर वाले ने भेजा है, लेकिन आप सब ये क्यों भूल जाते हो? एक दूसरे को आप नीचा दिखाते हो क्यों भाई? आप अघोरपंथ से हो, ठीक है, आप पंडित हो, ब्राह्मण हो, या आप तांत्रिक हो तो सनातनी। इस बात को आप ध्यान में रखना, आप कुछ भी करोगे हो तो सनातनी। मुझे यह भी पता है कि प्रदर्शन हमारे सनातन में ही दिखाया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। मैं अभी छोटे से बड़ा हो गया हूं, लेकिन मैंने कहीं किसी धर्मों में प्रदर्शन नहीं देखा है। जो भी प्रदर्शन हमने देखा है वो सनातन में ही देखा है। सनातन से सारी चीजें अलग हुई है और अलग अलग क्रियाएं करने की विधि भी अलग हुई है, ठीक है। कोई वाम मार्ग से करता है, कोई तंत्र मार्ग से करता है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप अपने अंदर मत उलझो। आप तो वही कर रहे हो जो पहले हुआ करता था। अभी आप बोलोगे, आप अपने माइंड को लेके एक जगह पे सेट कर दिया है कि मैं अघोरी हूं। इस बात को आप नोट करना, आपने अपने माइंड को लेकर सेट कर दिया मैं अघोरी हूं, और दूसरे को बोल दिया ब्राह्मण है। ब्राह्मण के लिए हम बहुत अनाप शनाप बक देते हैं, दुनियादारी कर देते हैं, लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए आपको जो कार्य आता है आप करें, लेकिन ब्राह्मणों को इज्जत और सम्मान दें। आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण जो होता है वो कहीं भी पूजा पाठ कराने जाता है तो वो जो सामग्री होता है या जो फल फ्रूट होता है, जो कुछ होता है, उसके ऊपर अधिकार उसका होता है, क्योंकि उसका जीवा उसी से चलने वाला है, उसका घर उसी से चलने वाला है। तो इतना भी ब्राह्मणों को ना नीचे गिराएं। मैं आप सबको एक बार फिर बताना चाहूंगा, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मेरा सरनेम लगता है पटेल हूं मैं, फिर भी यह कार्य कर रहा हूं मैं। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, किसी भी ब्राह्मण के लिए आप ऐसी बातें ना करें। अगर कुछ अंदर विवाद है, कुछ अपने आप में विवाद है, तो उसे फोन पे क्लियर करें। फोन पर क्लियर करके आप ये सब कार्य को पूरी तरह से खत्म करें। सोशल साइडों पे जाने के बाद आप लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को बदनाम करते हो और वीडियो के अंदर हमेशा आप लोग गालियां देते हो। क्यों ऐसा करते हो? अरे यार, हम सनातनी है, हमारा पंथ कोई भी हो, कुछ भी हो पंथ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पहले हम सनातनी हैं, हमारे अंदर भी दिल है। हम अगर किसी के प्रति हम एक उंगली उठाएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए तीन उंगलियां हमारे तरफ होती है। क्यों भाई? हे, हमारे सनातन में समझाया जाता है कि हम एक उंगली सामने वाले की तरफ उठाते हैं तो तीन उंगलियां ये मेरे तरफ होती है। तीन उंगलियां मतलब समझते हो ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हम किसी एक को उंगली क्यों दिखाएं? हाँ, अगर थर्ड पर्सन कोई आता है आपके बीच में तो एकता बना के रखो, लेकिन एकता बनाना बहुत जरूरी होता है। जितने भी हमारे YouTube के ऊपर जितने भी तांत्रिक है, जितने भी अघोरपंथ से है, जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजर है, उन सबको एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने अंदर मत उलझो। आपने काम वही कर दिया जो हमारे आदि शंकराचार्य जी जब थे, हम उस समय नहीं थे। उन्होंने देखा कि संसार के अंदर दो धर्मों में वो सब बटे हुए हैं, एक है शिव तो एक है वैष्णवी। अघोर पंथ वाले जितने भी भाई हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखना, मांस मदिरा ये सेवन करते हैं, सब सारी चीज ये सब अपने जगह पे है, लेकिन आप शिव वाला काम कर रहे हैं। हमारा परम पिता शिव है और पंडितों को गाली देके आप वैष्णवी वाला काम कर रहे हैं। तो पहले भी यही कार्य होता था, जब शिव के एरिया में वैष्णवी वाला दिखता था तो उसे मार देते थे, और वैष्णवी वाले के पास जब शिव वाला दिखता था उसे मार देते थे। तो इन सबको बड़े मुश्किल से आदि शंकराचार्य जी ने क्लियर किया, इनको एक किया।
विष्णु पुराण में उन्होंने लिख दिया, शिव पुराण में लिख दिया, रामेश्वर धाम के बारे में लिख दिया। आज की तारीख में आप जितने भी बड़े धाम में जाते हैं यात्रा के लिए जाते हैं, मेन मूल होता है केदारनाथ से लेके बद्रीनाथ से लेके सारा जितना भी तीर्थ यात्रा है वो सारा आदि शंकराचार्य जी का बनाया हुआ है। आप सबको ये सब मालूम होना चाहिए। आप थोड़ा तो अपने अंदर आदि शंकराचार्य जी वाला एक उनके जैसा एक कार्य करने की एक योजना बनाओ। बदनाम करने की योजना क्यों बना रहे हैं आप किसी भी पंथ से हो लेकिन हो सनातनी, इससे बाहर आप नहीं जाओगे। किसी के प्रति हम अनाप शनाप बोल दिए या किसी को हम नीचा दिखा रहे, क्यों भाई? आप अपने आप को ही दिखा रहे हो। आप बस आपसे इतना ही कहना था, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है। जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी हैं, सबसे एक बार फिर एक बात बताना चाहूंगा कि कोई भी आदमी हो या लड़की हो या लड़का है, आपके पास आता है तो पूरा विश्वास लेकर आता है, उस विश्वास को कायम रखें। यही है सनातन धर्म का एक पहचान। अगर हम विश्वासघात करने लगेंगे तो फिर मतलब बनना नहीं। सनातन को जीवित रखना हमारा काम है, हमारा उद्देश्य है। आपने हमेशा देखा होगा कि हर एक वीडियो के अंदर मैं बड़े से बड़े जीन खबीर जिन्नात को निकालता हूं, तो मैं फोन पे निकालता हूं, मुझे किसी के पास जाना नहीं पड़ता, उसको मेरे पास आना नहीं पड़ता। जब लोग ज्यादा परेशान होते बोलते नहीं मुझे मिलना है, तो मैं महीने में एक बार बैठक करता हूं और उसके बाद मेरा काम भी है, मैं भी जॉब करता हूं, घर परिवार चलाना है। सबसे बड़ी बात मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे तांत्रिक भाई लोग हैं और एस्ट्रोलॉजर लोग जितने भी हैं, उन सबको एक चीज बताने वाला हूं। मेरे पास जब चढ़ावा में 1100 रुपए लेता था, 2100 रुपए किया, आज मेरा करीब से करीब 20-21 महीना होने जा रहा है। जो पहले 20-21 महीने पहले जो पैसे दे के रखा हुआ था, जो पहले पैसे उसने दिया था, एक बार रजिस्टर कर लिया अपने आप का, उस समय भूत का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, लव का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। जो अलग अलग प्रॉब्लम आती है ना, उसके लिए भी कॉल करते हैं कि मैंने बहुत पहले 2-2 साल के रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने पैसे पे किया और मुझे उसी 1100 उसी 2100 रुपए में काम करना पड़ता है, ठीक है। और इनको ये नहीं मालूम है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उसका फीस देना पड़ता है, लेकिन यहां कुछ नहीं देना पड़ता है। किसी ने बोल दिया कि मेरा आदमी दारू पीता है, अब दारू के लिए मैंने जो प्रयोग बताया दारू छोड़ दिया, अब बोलता है वो इंजेक्शन लेता है, नशे वाला इंजेक्शन लेता है। बताओ, दारू की बात हुई थी, इंजेक्शन ले रहा है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? ये सब मेरे साथ में हो रहा है आज की तारीख में। नए लोग कॉल करते हैं, उनका कॉल नहीं लगता, पुराने के ही कॉल आते हैं। अब इसमें गलती मेरी नहीं है कि मैं बात ना करूं किसी से, अब लिस्ट बन के आता है तो मुझे बात करना पड़ता है। अब यह सोच के मैं छोड़ दूं कि मुझे पैसे नहीं मिल रहा है, मैं बात नहीं करूंगा, तो गलत बात है ना, क्योंकि हम उसी वादे पे पक्के हैं जिसे हम निभा सकते हैं। बस आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा अपने अंदर एक मिलनसार एक मित्रता रखो, आप एक दूसरे का सम्मान करो, जितना आपके पास ज्ञान है उतना पब्लिक के अंदर दो। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान नहीं बांटने से ज्ञान दब जाता है। और लोग कहते हैं कि ऊपर वाला जन्म ले चुका है, जन्म ले रहा है, अब कलयुग के अंत में ये होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, ये कुछ नहीं है। ऊपर वाला हर एक इंसान के दिल में जन्म ले चुका है। आप बड़े गुंडे रहोगे, टाइम आएगा जब ऊपर वाले ने जितना टाइम आपको दे दिया उतना मजे ले लिया, गुंडागर्दी कर लिया, सब कुछ, जब ऊपर वाले का टाइम आएगा ना, तो आपको इसी रास्ते पे आना पड़ेगा, इंसानियत करना पड़ेगा, आपको भला करना पड़ेगा। और ऊपर वाला उसी के अंदर आता है जिसके अंदर गट्स हो, जिसके अंदर ताकत हो, वाणी के अंदर एक पावर हो, वो 10 लोगों को एक साथ में समझाना चाहे तो समझा दे, ऐसे लोगों के अंदर ऊपर वाला वास करता है। तो आप सब में ही है ऊपर वाला, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके अंदर भी है, सिर्फ जज्बा आना जरूरी होता है। आपने देखा होगा मैं हमेशा किसी को भी ठीक करता हूं तो दुर्गा माता, बजरंग बली, भैरव बाबा, जीवदानी, मुम्मा देवी, कामख्या माता, बंगलामुखी माता, कर्ण पिशाचिनी का नाम लेता हूं। मैं किसी भूत और प्रेत का नाम नहीं लेता, भूतों से मेरा कोई काम नहीं है, मैं सनातनी हूं। जिसने संसार बनाया है उसको ही काम करना होगा और वो करता है। तो
तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें, हमारी किसी से भी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हम सब भाई हैं। वो किसी भी पंथ से हैं, किसी भी तरीके से कोई भी काम करते हैं, सब एक हैं, हम एक हैं, सनातनी हैं हम, ठीक है। आप किसी का भी इज्जत मिट्टी में मत मिलाओ, ठीक है। बस इतना ही बोलना था मुझे, नमस्कार।